हेलो एवरीवन आज का जो टॉपिक रहेगा वो वॉन्ट के सारे यूजेस यानी सारे प्रयोग रहेंगे वॉन्ट के इस्तेमाल देखें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी देखें प्रेजेंट में वॉन्ट का यूज़ किस तरीके से करते हैं पास्ट में फ्यूचर में और उसका पैसिव हम किस तरीके से बनाते हैं वॉन्ट का तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखें टेंसेस के अनुसार वॉन्ट्स हो जाएगा वॉन्ट और वॉन्टेड पास्ट की बात करेंगे तो वॉन्टेड का यूज़ होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वॉन्ट want और वॉन्ट्स का प्रयोग हो जाएगा जैसे ही शी इट इटर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ना वहाँ पर वॉन्ट्स का यूज़ होगा प्लस इनके बाद में ठीक है इन्फिनेटिव का यूज़ होगा इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद में वर्ब लग जाएगी ठीक है अब कोई भी काम करना चाहते हैं या चाहते थे या चाहेंगे इस तरीके से इसका हिंदी में मीनिंग निकल कर आएगा प्रेजेंट टाइम में आप कोई भी काम करना चाहते हैं पास्ट टाइम में आप कोई भी काम करना चाहते थे और फ्यूचर में आप कोई भी काम करना चाहेंगे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेज में इसका यूज़ सेंटेंसेस देखेंगे वह अंग्रेजी बोलना चाहती है वह है। तो शी वस टू स्पीक ठीक है wants का यूज़ फिट टू स्पीक यहाँ पर इन्फिनेटिव और क्या इंग्लिश ऑब्जेक्ट शी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश सब्जेक्ट शी है इसलिए वॉन्ट्स का यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू स्पीक क्या इंग्लिश ऑब्जेक्ट तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है फिर आगे देखें मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता था पास्ट का पास्ट में कोई काम करना चाहता था तो आई वॉन्टिट टू स्पीक इंग्लिश अब यहाँ पर देखिए टू स्पीक टू स्पीक तो सेम रहेगा ठीक है नॉन फाइनाइट वर्ब है इन्फिनेटिव है इसके बारे में भी आप जानते हैं अगर मेरा स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखा है जहाँ पर इन्फिनेटिव की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वॉन्टेड से हमने पहचाना कि ये सिंपल पास्ट का वाक्य हम टू स्पीक से नहीं पहचान सकते हम वॉन्टेड से पहचानेंगे क्लियर है फिर आगे देखें मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा अब ये फ्यूचर का है फ्यूचर में हम विल वॉन्ट का यूज नहीं करेंगे हम करेंगे वुड लाइक like, और फिर टू इंफिनेटिव वुड लाइक टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहूँगा फ्यूचर में आप कोई भी काम करना चाहेंगे तो वुड लाइक like का यूज़ फिर इन्फिनेटिव का यूज़ हो जाएगा यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तो यहाँ पर आपने देख लिया वॉन्ट का यूज़ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में अब साथ ही साथ हम पैसिव देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा तो देखिए सेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पर पैसिव सुटेबल बैठेगा वहाँ पर वॉन्ट का यूज़ होगा कैसे बनेगा वॉन्ट का यूज़ हो जाएगा इससे पहले सब्जेक्ट तो होगा ही होगा वॉन्ट want का वॉन्टेड भी हो जाएगा मतलब टेंस के अनुसार वॉन्ट want का वॉन्ट्स वॉन्टेड हो जाएगा फिर टू बी अब ये जो टू बी है ना ये एक तरीके से टू और बी यहाँ पर बेस फॉर्म है तो ये इन्फिनेटिव ही है और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ एक चीज़ और ध्यान रखें अगर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं ना इन्फिनेटिव को तो वो होता गलत है अब वो गलत कहीं कहीं पर सिचुएशन जब आती है तब समझ में आता है अब यहाँ पर देखिए टू और बी है तो बी यहाँ पर बेस फॉर्म है हम इसको फर्स्ट फॉर्म नहीं बोल सकते क्योंकि बेस फॉर्म है बी यहाँ पर तभी इसके बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं और पैसिव में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट तो पड़ती ही पड़ती है अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है ना बी की जगह इन्फिनेटिव में बी की जगह तो थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं बेस फॉर्म के बगल में जो कि बी है यहाँ पर ठीक है तो वॉन्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है स्ट्रक्चर पैसिव का मैं चाहता हूँ कि उसे पिटवाया जाना चाहिए तो पैसिव है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर आई वॉन्ट हिम टू बी बीटन देखिए वॉन्ट का यूज है और टू बी be बीटन यहां है यहाँ पर ठीक है जैसे यहाँ पर सेंटेंस है यानी बीटन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा मतलब जिसके ऊपर एक्शन हो जो कि रिसीवर हो मतलब पिटने का काम किसके ऊपर होएगा हिम के ऊपर और मैं यहाँ पर चाहता हूँ और मैं की जगह कोई भी हो सकता है वो चाहता है ठीक है ऑब्जेक्ट की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है हर भी हो सकता है कोई लड़की भी हो सकती है अस भी हो सकता है कोई भी अब आगे देखें मैं चाहता हूँ कि कमरा साफ किया जाए अब यहाँ पर देखें हिम था अब यहाँ पर कमरा आ गया ये भी ऑब्जेक्ट है निर्जीव है नॉन लिविंग है तो आई वॉन्ट द रूम या दिस रूम इसकी बात करें तो दिस रूम को यानी इस कमरे को तो आई वॉन्ट द रूम टू बी क्लीनड टू बी आ गया और क्लीनड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये पैसिव सीख रहे हैं एक्शन को रिसीव करेगा द रूम ये जो कमरा है ना ये रिसीव करेगा यही तो होता है पैसिव मैं चाहता था अब चाहता था से हमने समझा कि ये पास्ट का है सिंपल पास्ट का वाक्य तो वॉन्ट want का वॉन्टेड हो जाएगा मैं चाहता था कि खाना बनाया जाना चाहिए तो आई वॉन्टेड द फूड टू बी कुड अब पकेगा तो ये खाना ही ना तो ये रिसीवर है पैसिव हो गया अब मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर गलत हो गया है आदर कर ले आधार हो गया है आदर यानी कि रिस्पेक्ट आदर किया जाए तो कुछ वर्ब्स होती है जो मैं के साथ यानी आई सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा आदर किया जाए अब ऐसे सिचुएशन के अनुसार ऐसी वर्ब्स को रखना पड़ेगा जैसे रिस्पेक्ट हमारा खुद का रिस्पेक्ट हो सकता है ना हम रिसीवर हो सकते हैं उस रिस्पेक्ट को पाने के लिए तो आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि किसी और के ऊपर काम हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर ही कोई काम हो तो आई यहाँ पर रिसीवर है आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड अब यही पास्ट में हो सकता है कि मैं चाहता था तो आई वॉन्टेड टू बी रिस्पेक्टेड यहाँ पर रिस्पेक्टेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इस तरीके से वॉन्ट का एक्टिव और पैसिव मैंने बनाना आपको बताया सिंपल तरीके से कोशिश की है बताने की आपको समझ में आया होगा अब आगे देखते हैं हम वॉन्ट और ऑब्जेक्टिव केस और फिर इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस स्ट्रक्चर का हम कैसे यूज़ करते हैं वॉन्ट वाले स्ट्रक्चर का किसी और से कुछ करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा अब क्या करवाना चाहते हैं तो सेंटेंस को समझेंगे समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में मी मी से चाहते हैं यू से हिम से अस से हर से या दैम से तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग यहाँ पर वॉन्ट के बाद में हो जाएगा वॉन्ट आपको पता है वॉन्ट्स भी बन जाएगा वॉन्टेड भी बन जाएगा और इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस बेस फॉर्म अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं कि आपको थोड़ा आसान लगे समझने में लेकिन होती वो बेस फॉर्म है अब देखिए मैं बाजार जाना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ तो आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट मैं चाहती हूँ बाज़ार जाना मेरी इच्छा है मेरी चाहत है मैं चाहती हूँ कि आप अब मेरी चाहत मैं नहीं आपके ऊपर है कि आप जाएं बाज़ार तो आई वॉन्ट यू अब ये ऑब्जेक्टिव केस है आई वॉन्ट यू टू गो ये इन्फिनेटिव है टू गो टू द मार्केट टू यहाँ पर गो के साथ यूज़ होता है ना कहीं जाने के लिए तो आई वॉन्ट यू टू गो इन्फिनेटिव यहाँ पर टू गो है और ये टू यहाँ पर प्रापोजिशन है ये जो गो के बाद में आई है ना ये फिर आगे देखिए मैं अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ तो आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश मैं चाहती हूँ कि वह है वह ऑब्जेक्टिव केस अंग्रेज़ी बोले आई वॉन्ट हिम टू स्पीक इंग्लिश आई वॉन्ट हिम वह अगर लड़की है तो हर हो जाएगा आई वॉन्ट हर टू स्पीक इंग्लिश इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है वॉन्ट को लेकर वॉन्ट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस कि वो ऐसा करे ऐसा हम चाहते हैं तो वो कोई भी हो सकता है यू हो सकता है हिम हर ठीक है अस और दैम चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया होगा अब आगे देखें वॉन्ट वॉन्ट्स और वॉन्टेड ये तो पता ही है वर्ड के अनुसार जो टेंस है ना टेंस के अनुसार वॉन्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा यहाँ पर नो वर्ब यानी कि कोई क्रिया कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा कोई वस्तु चाहिए ये सेंस निकलेगा मुझे मुझे कार चाहिए लैपटॉप चाहिए फ़ोन चाहिए इस तरीके से सब्जेक्ट आप बदल जाए बदल सकते हैं कि उसे चाहिए हमें चाहिए इस तरीके से ही शी इट आई वी यू दे जो भी सब्जेक्ट है आप प्रेफर कर सकते हैं मुझे पैसे चाहिए आई वॉन्ट मनी अब देखेंगे तो इस वॉन्ट के बाद मनी का यूज़ हुआ है इन्फेनेटिव का यूज़ नहीं हुआ है यानी कि वर्ड तो है ही नहीं क्रिया है नहीं क्रिया है ही नहीं यहाँ पर किसी चीज़ वस्तु की बात हो रही है कोई एक्शन परफॉर्म हो ऐसा नहीं बता रहा है ये वॉन्ट का स्ट्रक्चर उसे पैसे चाहिए ही वॉन्ट्स मनी अब यहाँ पर उसे है तो वॉन्ट्स आ गया सिंपल टेंस आई था तो वॉन्ट का यूज हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसे पैसे चाहिए थे सिंपल पास्ट तो ही वॉन्टेड मनी ही वॉन्टेड मनी तो ये थे वॉन्ट को लेकर जितने भी स्ट्रक्चर है यहाँ पर विदाउट वर्ब हमने वॉन्ट का यूज़ किया है पैसिव के साथ ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमने कैसे वॉन्ट का यूज़ किया है एक्शन परफॉर्म होता है तो वॉन्ट के साथ इन्फिनेटिव आता है यानी कि टू प्लस बेस फॉर्म आती है तो सिंपल तरीके से साधारण सी भाषा में यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश है कोशिश की है उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही